आज बहुत सारे खेलों में हमारे खिलाड़ी जो हैं इंटरनेशनल लेवल पर छाए हुए हैं और उन्हीं में से तीन हैं आज के हमारे खास मेहमान। तो मैं यहाँ इनवाइट करने जा रहा हूँ इंडिया के चैंपियन रेसलर्स पद्मश्री योगेश्वर दत्त जी और पद्मश्री साक्षी मलिक और इंडिया की नंबर वन महिला टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा। साक्षी, मनिका और योगेश्वर के लिए जोरदार तालियां। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। बाप रे बाप रे, धन्यवाद। थैंक यू। बस ठीक है। आप कैसी हैं? ये दोनों पहलवान से तो हाथ मिलाते मुझे डर लग रहा था कि ऐसे करके ऐसे ना कर दे। मैंने कहा आपसे थोड़ा डर मुझे कम लगा। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है, हमारे देश का गौरव है आप, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। वैसे तो आप सब जानते हैं लेकिन फिर भी मैं आपकी यादाश्त और ताजा कर दूं कि योगेश्वर जो है 2012 ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल और एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। साक्षी ने 2016 रियो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता और इस तरह ये ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी। और मनिका पहली इंडियन महिला प्लेयर हैं जिन्होंने 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। आपको बहुत बहुत बधाई। पाजी क्या मतलब, मैंने आपको हमेशा ही ना पहलवानों वाले कपड़ों में देखा है, आज आपको सूट बूट में देखा ना, शर्ट तो देखो फट रही है ऐसे, मतलब बंदे की बॉडी देखो कितना। आपने मौका ही आज दिया दिखने का। पाजी हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते ना, हमें लग रहा आप हमारे देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, आप मेडल पे मेडल जीत रहे हैं, तो आज बड़ा अच्छा लग रहा आप तीनों को यहाँ पे देख के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसी हैं आप साक्षी? मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बहुत अच्छी जी। मुझे लोग कई कई बार बोलते हैं कि आपके शो में जो महिला जो आती हैं सेलिब्रिटीज, तो आप उनसे फ्लर्ट किया करें। मैं ना वो हम वैसे ही करते हैं साक्षी मेरी बहन। हम लोग ऐसे ही मस्ती मजाक करते हैं, हमारी कहाँ हिम्मत ऐसे घुटने में सर देके हमारा खोपड़ खोल दे। तो साक्षी आप स्कूल टाइम से रेसलिंग करती हैं? हाँ मैं स्कूल टाइम से रेसलिंग करती हूँ। अच्छा, मैंने 7th स्टैंडर्ड से शुरू किया था। वाह। हाँ। तो स्कूल में कभी आपकी सहेलियां बोलती नहीं थी मेरा उससे लफड़ा हो गया पीट दे उसको, ऐसे ऐसी कभी नहीं? ऑफर आई? मैं आपको बताना चाहूंगी कि वैसे मेरा नेचर बहुत शांत है, मैं कभी लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ती। शांति तो ये कभी मत सोचना आप लोग कि रेसलिंग वाले बाहर भी मतलब सबसे लड़ाई झगड़ा करते होंगे। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है जी, आप तो ऐसे ही रहें, शांति रहें आप। तो रेसलिंग की बात चल रही, तो योगेश्वर के घर में उनके मम्मी पापा दादा दादी सब टीचर हैं, योगेश्वर है अकेले पहलवान निकले, तो पढ़ाई लिखाई से ज्यादा मार कुटाई में ध्यान था क्यों योगेश्वर? कैसे मतलब आपका पहलवानी में आना कैसे हुआ? देखो जिस गांव से मैं आता हूँ उसमें तकरीबन हर घर में कोई ना कोई पहलवानी करता है। अच्छा जी। मेरे गांव में बलराज पहलवान थे, उनका काफी नाम था, उनका नाम सुन के ये था, मैं वैसे तो खेलने गया था, उनका फिर नाम सुना कि बलराज पहलवान है बहुत बड़े, मेरे को ये था कि बड़ा पहलवान बनना है, मेरे को मतलब बड़ा कैसे होता है, तगड़ा होता है, वेट कैसे होता है, मेरे को नहीं पता था। लिंडर पेश का जब ब्रॉन्ज मेडल आया तब मेरे मन में आया कि मेरे को ओलंपिक मेडल जीतना है। अच्छा जी। वाओ। 96 में आया था। क्या बात है। मैंने देखा ही ब्रॉन्ज मेडल था इसलिए मैंने ब्रॉन्ज मेडल की सोची। अच्छा, इसमें लिंडर पेश की गलती है, अगर वो गोल्ड जीते तो शायद मैं गोल्ड ही सोचता, मैं गोल्ड जीता। अभी वो बिंद्रा का गोल्ड आया वो 2012 में आया, वो शायद अगर क्षण में आता तो मैं शायद गोल्ड जीतता। इसलिए आप सभी से ये कि आप अपना मकसद बड़ा बनाइए, आप वहां तक जरूर पहुंचोगे। बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात कही आपने। मनिका के बारे में बता दूं कि ये भी बचपन से ही टेबल टेनिस खेलनी है, आई थिंक 4 years, 4 साल की उम्र में। yes. तो उस समय कैसे टेबल पे चढ़ के खेलती थी क्या? कि पापा गोद में उठा के खिलाते थे, कैसे खेलती थी आप? नहीं एक्चुअली तब हमारे जब टाइनी टॉट्स होता है एक इवेंट, तब हमारे लिए छोटी टेबल होती है। oh. अच्छा बच्चों वाली? यस मतलब बच्चों वाली नहीं, इतनी टेबल होती है उस बच्चों वाली होगी इतनी टेबल।
तो उस पे प्रैक्टिस करती थी आप? उस पे मैचेस होते थे। अच्छा जी। टाइनी टॉट्स के। फिर धीरे धीरे जब कैडेट सब जूनियर तब होता था तब बड़ी टेबल पे खेलते थे। अच्छा जी, वाओ। आप सबको पता ही होगा लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि साक्षी जो है इनकी शादी हो चुकी है और इनके हस्बैंड भी रेसलर ही हैं। इसमें कोई वैसे हैरान होने वाली बात नहीं, एक पहलवान का हाथ पहलवान ही पकड़ सकता है। तो इनके हस्बैंड भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो पेंट आपने पहनी है ये डिजाइन ही ऐसा कि आपके घुटना इतना मजबूत है कि भटक गई है। आज ये ज्यादा मेहनत करने से है ना हमारी थाई मोटी होगी तो ये फंसी ही नहीं। मैं जैसे ही पहनने लगा ये फट गई। बहुत बहुत हैंडसम है आप, बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। मुबारक हो आपकी नई नई शादी हुई है। थैंक यू। अच्छा आपकी जब शादी हुई साक्षी तो सात फेरे हुए थे कि दंगल हुआ था? नॉर्मल शादी जैसी शादी हुई थी। अच्छा, सात फेरे हुए थे पूरे। तो आपकी शादी में तो बड़े पहलवान, खाना ही बड़ा लगा होगा आपका तो, है ना? कितने पहलवान आए होंगे? तो आप मतलब लव मैरिज हुई आपकी या अरेंज मैरिज? दोनों ही लगा लो। नहीं, दोनों ही है। घर वालों, पहले हमारी बातचीत थी, हम सेम स्पोर्ट्स में हैं। अच्छा जी। तो साथ में बाहर कॉम्पिटिशन्स जाते थे, बातचीत हुई, फिर घर वालों को बताया तो वो भी बहुत खुश थे। चलिए बहुत अच्छी जोड़ी आपकी, ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। योगेश्वर, एक तो आप पहलवान, ऊपर से हरियाणा पुलिस में DSP हैं। वाओ, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आपको कोई मुजरिम मिले उसे हथकड़ी लगा के कोर्ट में ले जाओगे कि लंगोट पहना के मैदान में लेके आओगे? उसको लंगोट तो बंधवाएंगे पर दोनों काम जरूर कर लेंगे, थोड़ी कुश्ती भी कर सकते हैं क्योंकि पुलिस में है तो पुलिस का काम भी करेंगे, पर उसको दिखाएंगे कि ये किसी पहलवान से और वो भी DSP दोनों एक साथ है, उसको अपनी थोड़ी पावर दिखानी पड़ेगी जिससे आगे वो गलती ना करे। थोड़ी दिखाना, आपकी थोड़ी भी काफी होती है। मनिका अर्चना जी का सवाल था, कह रही थी कि आप आपके लेवल पे जिस लेवल पे आप खेल रही हैं फिटनेस का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, पर हैं तो आप लड़की ऊपर से दिल्ली की, तो जब कभी सड़क पे जाते हो गोलगप्पे वाली रेहड़ी देखती हैं तो कंट्रोल कर लेती हैं कि उतर के बोलती भैया बनाओ ना एक तीखा, ऐसे होता है? ऑनेस्टली नहीं, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती क्योंकि गोलगप्पे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पानीपुरी बहुत अच्छी लगती है? यस। और ये रेहड़ी वाले को ज्यादा अच्छी लगती है ना? हाँ। कभी आप 5-star होटल में खाओ उसका इतना मजा नहीं आता। वो जो ऐसे 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 पूरा शुक्र है चैनल ने मुझे शो दे दिया, नहीं तो मेरा आइडिया तो था उधर। हाँ, कस्टमर्स की जो वैरायटी बड़ी अच्छी है, मतलब हर तरह की लेडीज आती हैं आपके पास, लड़कियां आती, महिलाएं आती गोलगप्पे खाने। ऑनेस्ट हूं मैं। अच्छा योगेश्वर जो है ना वैसे बड़ी शाई नेचर के हैं, इसलिए मुझे लगता नहीं इन्होंने कभी किसी को प्रपोज किया होगा। किया भी होगा तो ये बताएंगे नहीं क्योंकि इनकी मिसेज जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। पर वैसे योगेश्वर आपके जो फैंस हैं आपको फॉलो करते हैं वो जानना चाहते हैं, कभी ऐसा हुआ कि किसी फीमेल फैन ने आपको कहा हो कि योगेश्वर योगी मुझे आप बहुत पसंद है, मुझे अपनी बलशाली भुजाओं में कैद कर लो? हैं तो भैया देखिए, एक तो आपने बताया पहलवान वैसे तो बहुत शांत होते हैं। हाँ जी। पर पब्लिक की उसमें एक ही छवि है कि पता नहीं कैसे स्वभाव होगा, कैसा गुस्सेल होगा जी। पर सच्चाई है किसी ने बोला नहीं ऐसे हमें, कोई ऐसा मौका कभी आया नहीं ना। अच्छा जी। ना हमने किसी को बोला ना किसी ने हमको बोला। बिल्कुल अच्छी बात है। तो मैडम से कहाँ मुलाकात हुई फिर आपकी पहली बार? हरियाणा में, सोनीपत। हरियाणा में। तो पहले आपने उनको पसंद किया था कि उन्होंने आपको पसंद किया था? पसंद तो घर वालों ने किया था। अच्छा जी। वाओ। शीतल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। योगेश्वर वर्ल्ड फेमस रेसलर हैं और आपके पति, मुबारक हो, अच्छा मिल गया आपको।
आजकल मार्केट में अच्छा काम ही आ रहा है सामान। तो आपको पता था शादी जब आपकी हुई या होने वाली थी या रिश्ते की बात चली, आपको पता था ये देश के लिए खेलते हैं? हाँ जी, ये अच्छा मेरे पापा के। तभी तो शादी हुई ना, मना नहीं कर देती। तो क्या आपके पापा क्या कहते हैं? फेवरेट। आपके पापा की फेवरेट, उनको शौक होगा कुछ देखा। हाँ जी, वो चाहते थे कि मेरी बेटी की शादी इनसे हो। वाओ। हाँ जी, तो इतना नहीं था कि मैं मैच देखती थी इनके। अच्छा जी। लेकिन मेरे पापा जी जबरदस्ती बैठा के दिखाते थे। अच्छा जी, हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको, शुक्रिया। साक्षी, ऐसा सुना है कि हमने आपको शुरू शुरू में प्रैक्टिस करते वक्त, आप लड़कों के साथ भी खेलती थी, लड़कों के साथ कुश्ती करती थी, तो आपको ज्यादा लड़कों को पीटने में मजा आता था कि उनको पिटने में मजा आता था? नहीं, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि उस टाइम पे लड़कियां नहीं होती थी इतनी। अच्छा, रेसलिंग में तो लड़कों के साथ इसीलिए करना पड़ता था। अच्छा, अभी तो काफी लड़कियां हैं जी, तो बस ये था कि लड़कों के साथ ज्यादा ताकत लगती है तो इम्प्रूवमेंट ज्यादा जल्दी आएगी। Obviously. और लड़कियां हमारे लेवल की हैं तो आगे बढ़ने के लिए ताकत से ज्यादा के साथ ट्रेनिंग करोगे तो ज्यादा ताकतवर हो गए। तो क्या बात है, मैं आपको ये बता दूं कि योगेश्वर और साक्षी दोनों की शादी 2017 में हुई है, तो ये मुहूर्त अच्छा था कि पहलवानों को डिस्काउंट मिल रहा था क्या? एक ही है नहीं उस टाइम पे, पता नहीं डिस्काउंट था मुहूर्त था, तकरीबन पर उसी टाइम में शादी की थी। क्या बात है, पर बड़े ही अच्छी जोड़ी है आपकी दोनों की, बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। मनिका, आपका कोई प्लान है अभी? अभी तो कोई नहीं है, अभी देखते हैं, आप कोई ढूंढ दो। आपको मुझे लगता है इतनी हाइट वाला लड़का अभी तक मिला ही नहीं होगा कि नहीं? नहीं, ढूंढ रही हूँ पर शौक नहीं है अभी शादी का। हाँ, करना मत, खेलना है अभी। मैं बोल रहा हूँ जिस दिन शादी होती है उसी दिन ही अच्छा लगता है, मेहमान आए रहते हैं, जब सभी खा पी के निकल जाते हैं ना, फिर जब बिल वाले आते हैं ना कि उसका टेंट वाले का इतना, उस समय बिल्कुल मजा नहीं आता। तो वेरी गुड, आपकी वाइफ देख रही होंगी, काट देना ये फिर। लेकिन मनिका, हमने सुना है कि आपको मॉडलिंग के बड़े सारे ऑफर आते रहते हैं। आए थे पहले, बट अच्छा। मेरे को बस गेम फोकस करना था तो इसलिए। बड़ी अच्छी बात है, बट मुझे शौक है।